अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वो आएगा 15 अगस्त के बाद। और इससे पहले कि मैं आपको पासिंग मार्क्स के हवाले से गुड न्यूज़ दूँ, एक गुड न्यूज़ और आपको दे देता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश का जो थर्ड बैच है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, वो भी 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और उसकी रजिस्ट्रेशन आप आज शाम तक करवा सकते हैं। तो वो बच्चे जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 12th क्लास का, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जनाब, जहाँ तक बात है पासिंग मार्क्स की, तो फेडरल बोर्ड ने पहले ही ऐलान किया था कि इस साल जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 40% होंगे, लेकिन मैट्रिक के अंदर भी उन्होंने अपनी ये पॉलिसी जो थी ये वापस ले ली थी और पासिंग मार्क्स जो थे वो 33% रखे थे। और इंशाल्लाह जो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा फेडरल बोर्ड का, वो भी आपका 33% के मुताबिक आएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर भी और सेकेंड ईयर के अंदर भी। आपके अगर 33% नंबर बन रहे होंगे तो आपका वो सब्जेक्ट जो है वो पास कंसीडर होगा। इसके अलावा दूसरी मज़े की बात यह है कि जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका अगर एग्री ग्रेड पासिंग मार्क्स के बराबर बन जाता है, यानी कि वो सब्जेक्ट जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, अगर दोनों कंपोनेंट्स के मिला के अगर पासिंग मार्क्स बनते हैं, अगर एक में कम भी हैं लेकिन दोनों के मिला के अगर बन रहे हैं, तो भी उन स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ थी, बहुत खुशी की खबर थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को इन्वाइट करना था कि जो बच्चे अभी तक भी सोच रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने के लिए, वो थर्ड बैच के अंदर लाजमी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। खुश रहें, जुड़े रहें इंग्लिश की अकेडमी के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।